皆さんこんにちは、アンクルシェフです。今日は先日撮影があったテレビの様子をお届けします。パキスタンの放送局なので、私の言葉もウルドゥー語でアテレコされたりしてるので、ちょっと分かりにくいかもしれないですが、どうぞ見てやってください。इस सेगमेंट में जिसमें हमें शेफ यामाज़ाकी को वेलकम कह रहे हैं और आज ये हमें बताएंगे कि जापानीज कुजीन के वो अहम इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और किस तरह से जापानीज कुजीन तैयार किया जाता है। सो यामाज़ाकी, आई वेलकम यू इन माय शो एंड ही इज द शेफ टू द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ जापानीज एम्बेसडर इन पाकिस्तान। सो आई एम सो ग्लैड एंड एक्साइटेड टू नो मोर अबाउट द जापानीज कल्चर। देवा या 300 年前सुशी की तारीख 300 साल पुरानी है। कच्ची मछली को एक खास तरीके से खाया जाता है क्योंकि उस वक्त फ्रीज करने का तरीका मौजूद नहीं था। एक जापानी के लिए एक अहम गजा है। गैर मुल्की भी अब सुशी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सुशी दुनिया भर में काफी मकबूल हो गई है। जित्सुआ कोनो सत्से नो मिक्का माए नी जिदेंशा दे कोरों दे ओके गा ओ शिमाशिता। सोरे ओ काकुसु तामे नी इजोउ ना होदो नी तेबुकुरो ओ शियो शिते ओरिमासु। हमने इन चावलों को सिरके में भिगोकर रख दिया था। चावल सुशी बनाने में एक अहम इंग्रेडिएंट है। क्या ये स्टिकी राइस है? यस।普段は手袋をして寿司は握らないですが、この時は傷を隠すために手袋をしてました。シャカシャカシャカシャカとピンマイクが音を拾ってしまい反省してます。आप लोग जापान के खानों के बारे में क्या जानते हैं? जापानी खानों में मसाले कम होते हैं, ज्यादातर कच्चा गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमें अंदाजा है कि जापानी खाने बहुत सेहत बख्श होते हैं। मुझे पाकिस्तानी खाने पसंद हैं। यहाँ मसाले और ऑयल ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आज हम 8 किस्म की सुशी बनाएंगे, लेकिन जापान में सुशी की 40 से ज्यादा अकसाम हैं जो मौसम के मुताबिक बदलती रहती हैं। सुशी को मजीद खुशबूदार बनाने के लिए हम इसे आग का सेक देते हैं। ये जापान की मीठी चटनी है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी खानों में नहीं होता, लेकिन मुझे उम्मीद है ये बहुत सेहतमंद साबित होगी। Really healthy. What is this? The eggs. Eggs. Yeah. Okay. And cucumber. Okay. And this one mushrooms. Is yes mushroom. Okay. What is this? The crab meat. इसे भी ज्यादा सख्त हाथ नहीं लगाने, आराम आराम से ये रोल होगा। इसे खाने के साथ साथ बनाना भी बहुत टेक्निकल है। It looks very colorful. अब हम काकी एज बनाएंगे। ये डिश पकोड़े से बहुत मिलती जुलती है। जापान में हम मसाला इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन पकोड़ों में कुछ मसाले हम भी डालते हैं। यकीन एक जबरदस्त तजुर्बा होने वाला है। इस डिश में कच्चा प्याज, पक्का प्याज और गाजर का इस्तेमाल अहम है। पाकिस्तानी
और आपने पाकिस्तान में स्पाइसी पकौड़ा तो खाए होंगे. आज हम ट्राई कर रहे हैं जापानीज नॉन स्पाइसी पकौड़ा. और जापान में ये जो डिश है ये एज अ मेन डिश खाई जाती है, नॉट एज अ स्नैक. गर्मी है. Yes, अगर हम टेम्पोरा को बहुत ज्यादा फ्राई करेंगे ये सख्त हो जाएगा, और अगर ये नरम हो तो ये मजेदार नहीं होता. हमने इसे सही तरीके से फ्राई करना है. फ्राई करने वाले तमाम अज्जा को मुख्तलिफ टाइम देना पड़ता है, और इनको देखकर इनकी आवाज से ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये अब पक चुके हैं. मुझे लगता है कि जापानी खानों को तकनीकी महारत की जरूरत है, और हर एक के लिए जापानी खाना पकाना इतना आसान नहीं है. Beautiful. हर डिश का एक अलग मूड है, कलर्स हैं, एंड आई थिंक इट्स वाइब्रेंट, कलरफुल, हेल्दी एंड यमी एट द सेम टाइम. सो आई एम एक्साइटेड, लेट्स ट्राई दिस फूड. मैं ट्राई करने लगी हूँ ऑथेंटिक जापानीज फूड, और शेफ यामाज़ाकी जो है वो मुझे सर्व करेंगे, और साथ साथ हमें ये भी बताएंगे कि कौन सी डिश में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और उनकी क्या अफादियत है. आज मैंने सूप बनाया है. इस सूप में जापानी खानों का बुनियादी जुज दाशी शामिल है. और अब हम ट्राई करने वाले हैं टेम्पुरा. इट्स अ स्पेशल सॉस. यस, टेम्पुरा जो है वो चॉपस्टिक से खाया जाता है, और चॉपस्टिक्स की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है जापानीज कुजीन में. सो आई एम गोना ट्राई दिस टेम्पुरा विद चॉपस्टिक्स, जो कि एक ऑथेंटिक जापानीज स्टाइल भी है. और ये प्रॉन को पहले मैं ट्राई करूँगी. It's really yummy. It's really crispy, very fresh, and the quality of the seafood is amazing. Thank you very much. Okay. The next is sushi. Oh. I think maine is for duniya ki sabse healthy and nutrition dish khai hai. It is fantastic. Thank you. और मुझे लग रहा था कि शायद मैं पहली दफ़ा सुशी ट्राई करूँगी तो मैं खा नहीं पाऊँगी, टेस्ट डेवलप नहीं है. मेरे सारी गलत फहमियाँ और सारे परसेप्शंस गलत साबित हुए हैं. थैंक यू सो मच यामाज़ाकी. बहुत शुक्रिया. आपने इतनी अच्छी मुझे हेल्दी डिशेस खिलाई और इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ, एंड आई थिंक आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए. अब तक के लिए फ्लैक्स में इतना ही, और आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते. अपना रखिएगा ख्याल. अल्लाह हाफिज़. それでは本日もご視聴ありがとうございました。こんな感じで仕事をしてます。